जीत है ये मेरी जीत नहीं है, ये मोहनिया की जनता की जीत है। और समाज के हर वर्ग ने मुझे सहयोग दिया है, और जो मैं यहाँ की बेटी हूँ और मुझे बहुत प्यार और सम्मान जो इस मोहनिया की जनता ने दिए, मैं अभिभूत हूँ और मैं पैर छूकर सबका प्रणाम करती हूँ कि इस सम्मान के लायक सभी ने मुझे बनाया है। जिसके बाद क्या करेगा? क्या मेरी शिक्षा पे रहेगी? शिक्षा पे रहेगी, बालिका बच्चियों की शिक्षा पे, मात्र हेल्थ पे रहेगी, किसानों की समस्याओं पे मैं ध्यान दूंगी, और जो यहाँ पे खेल पे मैं ध्यान दूंगी, युवाओं की रोजगार आपने देखा होगा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का एजेंडा भी है और उस पर हमारा ध्यान रहे। किस कारण से जीत आपकी हो पाई है? मोहनिया बीजेपी विधायक से किस तरह से नाराजगी लोगों में दिखा जो आपने उसको पकड़ा, किस कारण से जीत हो पाई आपकी? देखिए, मैं जमीनी राजनीति में विश्वास करती हूँ और मेरा कार्य अगर आपने कभी लोगों ने पूछा होगा तो मैं जमीन से जुड़ी हुई महिला हूँ और जमीन से जो रूट लेवल पर जो पकड़ और समाज में हर वर्ग को मैंने सम्मान दिया है और धर्मनिरपेक्षता की बात की है, सबको सम्मान दिया है, इसलिए हमारी जनता ने आज मुझे वो सम्मान दिया है और इसका श्रेय मैं सिर्फ मोहनिया की सभी आवाम को जनता को मैं देना चाहूँगी। जीतने के बाद पहला काम क्या करना चाहेंगी जनता के लिए? अच्छा ठीक है, मुझे जनता के मैं करना चाहूँगी, शिक्षा पे मैं ध्यान दूंगी, जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं मैं देखती हूँ कि गांव की महिलाएं जो हैं अशिक्षित हैं और छोटी छोटी, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, इसमें बहुत उलझ जाती हैं, तो महिलाओं पर, मेरा महिला हूँ इसलिए महिलाओं पर फोकस रखूंगी, युवाओं की मैं बात कहना चाहूंगी और एक चीज़ जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी आपका नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, डायरेक्ट उसका उससे पास उसकी बात जाए। आपका मूलभूत विकास का मुद्दा क्या रहेगा? मूलभूत विकास जो यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो उस पर रहेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा, जैसे आप बोलिए शिक्षा पर रहेगी आपकी, क्या मोहनिया कोशिश करेंगे एक कॉलेज मिले? मैं कोशिश करूंगी मोहनिया में कॉलेज।